एनआर जेड कोड के मॉडिफिकेशन के जो ऑल ओवर इंडिया से हमको रिस्पांस मिला है, मेरा तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया है। कर्नाटका KA19MM6994 आप लोग देख सकते हैं कि एक LXi मॉडल वैगनआर है, जिसका बिफोर शूट मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी जब आई थी तो किस तरीके से आई थी, एंड जो मॉडिफाई होके जा रही है, द जेड स्पोर्ट मॉडिफिकेशन हैज़ बीन डन इन द कार। ये LXi मॉडल गाड़ी है जिसमें पावर विंडो नहीं थी, मिरर नहीं थे, स्टेयरिंग नहीं थे। तो जेड स्पोर्ट का पूरा मॉडिफिकेशन अगर हम कराते हैं तो ये तीन जो मेरी बुनियाद है टॉप मॉडल के मॉडिफिकेशन की, वो आपको 8,000 और 8,000 रुपये में पड़ती है। यानी कि पीछे की पावर विंडो आपकी गाड़ी में नहीं लग के आती है, तो हमने लगाई हुई है। द रियर पावर विंडो हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द कार, बट आज का स्टाइलिंग किट का शेड भी कुछ डिफरेंट है दोस्तों। द वाइट मार्बल, द वाइट स्टोन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कार। पावर विंडो लगाने का तरीका देख सकते हैं, डब्बा वगैरह नहीं लगा है, इट्स अ ओरिजिनल स्टाइलिंग किट के साथ। तो पावर विंडो हमने लगाई है। ये पावर विंडो की कॉस्टिंग पड़ती है 8,000 रुपीज़, जो मारुति की जेन्यून है, आगे के कंट्रोल्स के साथ आती है। सेकेंड, जो 8,000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ता है, वो आपके ORVMs पे है। मिरर आपकी गाड़ी में लग के आते हैं बट वो लॉक करने पे फोल्ड नहीं होते हैं। इस तरीके से द साइड ORVMs हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बट प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ, जो लॉक करने पे फोल्ड है एंड अनलॉक करने पे ओपन है। तो सेकेंड, जो आप 8,000 खर्चा करते हैं, आपके मिरर के ऊपर है। इसका प्रॉपर स्विच भी हमने लगाया है, जिसकी वर्किंग ऑपरेशन हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से है, बटन दबाने पे ओपन एंड बटन दबाने पे क्लोज। सो ये हो गए हमारे टॉप मॉडल के मिरर। थर्ड है टॉप मॉडल का स्टेयरिंग। जस्ट सी द लुक एंड द गेटअप ऑफ द स्टेयरिंग। द स्टेयरिंग हैज बीन रैप्ड इन द पर्शियन ग्रीन ब्लैक। एयरबैग हैज बीन रैप्ड इन द पर्शियन ग्रीन बिना रैपिंग के। जो एग्जिस्ट ओरिजिनल स्टेयरिंग आता है मारुति का, मात्र 5,000 रुपये में आपको पड़ता है। एंड जो स्टाइलिंग किट, मतलब जो इसके अंदर हमने लगाई हुई है, 3,000 रुपीज़ में 4 पीसेस की आपको पड़ती है। तो एक और 8,000 रुपया जो आप खर्चा करते हैं, द 24,000 रुपीज़ LXi to ZXi मॉडिफिकेशन हैज़ बीन डन इन द कार। अब आते हैं अपग्रेडेशन के ऊपर, किस तरीके से ये गाड़ी का फ्रंट लुक हम देख सकते हैं कि वाइट गाड़ी है तो ग्रिल का कलर वाइट है। 1, 2, 3, 4, 8, 12 एंड 16 जो हमको ये वाइट के पैचेस दिख रहे हैं, पूरी गाड़ी का लुक चेंज हो जाता है। हमारा डिफ्यूज़र है जो टोटली इम्पोर्टेड आता है, जितने भी इंडियन मेक्स हैं थोड़ा सा उसमें गैप्स रह जाता है, एग्जॉस्ट छोटा आता है, बट जो हमारा ये थाईलैंड का आता है डिफ्यूज़र, 1, 2, 3, 4 टीथ के साथ हैं, ब्लैक एंड सिल्वर में है, फिटिंग में कोई गैप्स वगैरह नहीं है। एंड जो ख़ास बात है, इसकी पीछे का जो लुक है आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ वाइडर एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट इसमें दिए हुए हैं टोटली ब्रॉड शेप में आते हैं। क्रोमियम की क्वालिटी नंबर वन आती है। तो अगर हमको जेड स्पोर्ट के टाइटल से मॉडिफाई करना है तो ये डिफ्यूज़र हमको लगाना पड़ता है। वाइट गाड़ी है बट जो इसकी रूफ़ है वो ब्लैक कलर के अंदर हमने की हुई है। जेड स्पोर्ट का मतलब क्या है, LXi to ZXi तो आपकी गाड़ी बन गई। द जेड लेटर रिप्रेजेंट्स द ZXi कन्वर्जन एंड द स्पोर्ट्स वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पोर्ट्स लुक टू द कार। किस तरीके से वाइट गाड़ी है बट एक डुअल टोन करने से जो ZXi प्लस में आती है, जो लुक एंड अपियरेंस है गाड़ी का टोटली चेंज हो जाता है। जो रूफ रेल्स हैं वो ZXi प्लस में भी नहीं आती है, द किया सेल्टोस डिज़ाइन रूफ रेल जो पीछे से कट्स में आती है। जो स्पॉइलर है वो भी हमने लगाया हुआ है, जो पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं। टेल लाइट के बॉर्डर पियानो ब्लैक, हैंडल के बॉर्डर पियानो ब्लैक, मिरर के बॉर्डर पियानो ब्लैक, एंड जो हमारे पत्रे पे इंडिकेटर्स थे, अभी हमारे इंडिकेटर इधर आ गए, तो रेंज रोवर स्टाइल वेंट्स जो हमने लगाए हैं। लुक देख सकते हैं, एक 14-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ, जो मारुति का ओरिजिनल आता है। 4 नवे टायर हमने लगाए हैं, जूने टायर का बायबैक आपको मिलता है। 5,000 का एक नया टायर है, 20,000 के 4 टायर हैं, जूने टायर का 3,000 के हिसाब से 12,000 रुपये आपको बायबैक मिलता है। 8,000 रुपया डिफरेंस आपको देना पड़ता है, 4 नवे टायर आपको आ जाते हैं। अलॉयज़ भी आप लोग देख सकते हैं कि मारुति के जेन्यून है। अलॉयज़ की पहले जो कीमत थी 5,500 का एक पड़ता था, अब थोड़े प्राइजेस बढ़ गए हैं, 6,500 रुपये का एक पड़ता है, बट फिर भी आप आएंगे तो जो मेरे से बेस्ट होएगा तो मैं आपको करके दूँगा। साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग जो वैगनआर की हमने लगाई हुई है, किस तरीके से द साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग हैज़ बीन एडेड इन द कार। बट जो जेड स्पोर्ट का ग्राफिक है दोस्तों,
आप लोग देख सकते हैं जैसे एक स्पोर्ट्स कार का लुक है, द स्पोर्ट्स बैजिंग ऑन द रियर डोर, जेड लेटर ऑन द फ्रंट डोर एंड पर्शियन ग्रीन कलर उसको हमने दिया है, क्योंकि जो इंटीरियर है मेरी गाड़ी का, आई प्रेजेंट टू यू द जेड स्पोर्ट इंटीरियर विद द पर्शियन ग्रीन एंड द वाइट थीम विद द ब्लैक टचेस, जस्ट सी द लुक एंड द गेटअप ऑफ द कार। टॉप गियर के सीट कवर हमने लगाए हैं जो 1, 2, 3, 4 और 5 कुशनिंग जोन्स के साथ आते हैं। ब्रांड लगाइए, अच्छी चीज़ लगाइए। 3-4 हज़ार वाले कवर में भी दोस्तों बेच सकता हूँ, बट मैं अपने नाम के लिए जाना जाता हूँ, मैं अच्छी चीज़ बेचने के लिए जाना चाहता हूँ, तो अच्छी चीज़ आप लोगों को मैं पूछूंगा। टॉप गियर वैगन आर के 17,150 की इसकी MRP आती है। इट्स द सिग्नेचर कलेक्शन जो 2 ईयर्स वारंटी के साथ आते हैं। किस तरीके से इसका एक वारंटी कार्ड है, इसकी खास बात क्या है जो इसमें कंपनी देती है, इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड क्लीन। इसमें केमिकल ओडर फ्री अपॉल्स्ट्री आती है जो रेगुलर कवर्स बास मारते हैं, रेक्सिन स्मेल करता है। ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द ओई फिटमेंट, जो इसकी फिटमेंट है वो कोई भी लोकल कारखाने के सीट कवर से मैच नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड परमानेंट ड्राई फील यूवी रेजिस्टेंट प्रोडक्ट से आते हैं। तो क्वालिटी चीज़ आप अपनी गाड़ी में लगाइए। एक एक बैक रो की भी फिटमेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने किए। बट सीट कवर अगर टॉप गियर के हैं 13,000 के पड़ते हैं आफ्टर डिस्काउंट, तो मैट्स भी हमने लगाई हैं जो टॉप गियर की ही आती है। कोई लेमिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे जब टॉप गियर की मैट में लगा रहा हूँ जो ऊपर तक जाती है। आप लोग देख सकते हैं ये एक ही ऐसी मैट है जो ये ऊपर तक जाके ये लॉक हो गई। पाँव मैंने इसके ऊपर रखा, कचरा जो मेरा जमा हो रहा है, इट्स द हनीकॉम्ब। एंड जो हमने गियर के इधर के कॉन्सोल्स हैं उसको भी पर्शियन ग्रीन कलर में रैप किया है। इट्स अ लेदर वर्क, कोई पेंट वगैरह हमने नहीं किया है। जो मैट का कलर है, जो सीट का कलर है, जो गियर नॉब का कलर है, जो स्टेयरिंग का कलर है, जो एयर बैग का कलर है एंड जो फ्रंट टू पिलर्स के हमारे कलर है, इट इज़ इन द पर्शियन ग्रीन। कोई बोल देगा कि 7-7.5 लाख रुपये की वैगन आर है, क्योंकि बैठने के बाद अंदर एक लग्जरी कार का फील टॉप गियर आपको देता है। खाली टॉप गियर का सीट कवर नहीं, सीट कवर के साथ मैटिंग के साथ गियर के साथ कंसोल, स्टेयरिंग, एयरबैग, पिलर फाइन तरीके से हमने की है आप लोगों के साथ। बट वाइट मार्बल जो लुक मुझे मिला है दोस्तों, क्योंकि हमने मारुति जेन्यून तो बहुत शेड्स देख लिए, तो कुछ नया आप लोगों के सामने लेके आना है, तो ग्रीन एंड वाइट का जो हमने लुक दिया है आप लोगों के सामने। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ये कार में नहीं लग के आता है, तो नेट प्ले का टच स्क्रीन हमने लगाया है जो ऑफलाइन मैप्स के साथ है। इसकी वीडियो क्लैरिटी, पिक्चर क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। जस्ट सी द टच क्वालिटी एंड जो इसका टच इंटरफेस भी है ऑफलाइन मैप्स के साथ है। maps.me जेनॉक्स कंपनी का फ्रंट कैमरा कम डैश कैम कम DVR इसके अंदर हमने लगाया है, जिसका ऐप आपके प्लेयर के अंदर डायरेक्टली आ जाता है। जैसे इसको मैं कनेक्ट करता हूँ USB से, तो एज सुन एज आई टच दिस बटन, दिस इज माई फ्रंट कैमरा कम द डैश कैम। आप लोग क्लैरिटी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्लैरिटी मुझे मिलती है। 2022 आठवां महीना 18 तारीख 15:16 35 सेकेंड पे गाड़ी के आजू बाजू में क्या एक्टिविटी हो रही है, अगर एक मेमोरी कार्ड में डालता हूँ तो वो चीज़ भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर क्या बातचीत चालू है, ये स्पीकर्स दिए हुए हैं, तो इसके अंदर सेटिंग्स में जाके मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसकी देख सकता हूँ। आप लोगों के सामने है ऑडियो मुझे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। GPS वीडियो स्टैम्प इसके अंदर है, जैसे कि गाड़ी आपकी चल रही है, कोई आपका डैश हो जाता है तो वो मोमेंट इसके अंदर कैप्चर हो जाता है। आपको रिकॉर्डिंग देखनी है 1 मिनट की 2 मिनट की 3 मिनट की, क्या मिनट की रिकॉर्डिंग आपको सेट करनी है। विथ ऑल दिस फीचर्स जेनॉक्स का डैश कैम हमने इस, तो जेनॉक्स के डैश कैम के साथ मैं फिर से बोलूँगा इंटीरियर पे दोस्तों आज एक कमेंट ज़रूर आना है, क्योंकि कर्नाटक से जब जब गाड़ी आई है तो मैंने मेहनत डबल की है, क्योंकि जो लुक है आप लोग के सामने है किस तरीके से मैंने किया हुआ। एक वाइट एंड ब्लैक का लुक किस तरीके से लग रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, दरवाज़ा खुलने पे वैगन आर का नेम एंड इल्यूमिनेशन है जो डोम कट्स में आती है। जस्ट सी द गेटअप एंड हेडलाइट का जो लुक है, प्रोजेक्टर्स के साथ, DRL के साथ, रिंग के साथ, कंपनी की ही हेडलाइट है, बट टॉप मॉडल में भी ये लुक नहीं आता है। इसका लुक दिन में कितना अच्छा है हम लोग देख सकते हैं। इसकी रोशनी
रात में कितनी पावरफुल है वो भी हम देखेंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जेड स्पोर्ट का जो ये मॉडिफिकेशन है किस तरीके से लगा है। क्रोमिंग का वर्क देख सकते हैं थोड़ा सा जो विंडो पे हमने किया है। द मर्क्यूरी गोल्ड शेड फिल्म जो पीछे की कांच पे हमने लगाई है, एक फिल्म का भी तो गेटअप देखिए कि किस तरीके से वाइट कार पे जो फिल्म हमने लगाई है आप लोग देख सकते हैं। ये पुराना जितना भी सामान था आप लोग देख सकते हैं कि LXi मॉडल का स्टेयरिंग आप लोगों के सामने है, LXi मॉडल के हैंडल आप लोगों के सामने है एंड LXi मॉडल के मिरर भी आप लोगों के सामने है। तो गाड़ी लीजिए LXi, मेरे शॉप पे लेके आइए ZXi के फीचर्स के साथ, स्पोर्ट्स लुक के साथ पूरी गाड़ी को अपने अपग्रेड करके जाइए। कर्नाटका से सर आए हैं तो कुछ तो बात है कि इतने दूर सर आए हैं। सर का भी इंटरव्यू हम लोग देखेंगे एंड हेडलाइट्स का लाइट अपग्रेडेशन भी हम लोग देखेंगे। एक और शानदार वैगन आर जो हमने देखी है जेड स्पोर्ट का जो मॉडिफिकेशन हमने किया है। नाजिर हुसैन जी हमारे साथ हैं जो कर्नाटका से ये गाड़ी हमारे पास आई है, मैंगलोर से सर आए हैं। कितने किलोमीटर का रास्ता है सर हमारे मुंबई से? मैंगलोर से बॉम्बे आने में 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर है मुंबई से। बट खाली मेरा एक वीडियो देखा सर ने एंड सर डायरेक्टली गाड़ी लेके आए। इसका बिफोर शूट भी मैंने आप लोगों को इसके लिए बताया कि नॉट इवन अ सिंगल मैट, पांव रखने वाली मैट भी कंपनी से नहीं लगे, डायरेक्ट चाबी स्टार्ट की और इधर है जो नाजिर जी ये गाड़ी हमने बनाई है। पर्शियन ग्रीन इंटीरियर, म्यूजिक सिस्टम नंबर 1, LXi टू ZXi पूरे ऑफर के साथ जो बनाई है, किस तरीके से अपनी गाड़ी लग रही है एंड क्या बोलेंगे दो लाइन देखने वालों के। गाड़ी फर्स्ट क्लास है। अभी कोई भी वैगन आर लिया तो नवी मुंबई हमारा रोहित भाई का बस आने का, साई ऑटोमोबाइल का बस आने का और फर्स्ट क्लास हुआ गाड़ी, कुछ भी पूछने का नहीं है कि नहीं। आज एक दिन मुंबई भी घूम के आए बट इतनी बुकिंग्स आ गई हमको सर की गाड़ी पर्शियन ग्रीन इंटीरियर साउंड सिस्टम कैसा लगा? बहुत खुश हुआ देख के गाड़ी। थैंक यू करते हैं आपको दिल से। भैया कैसी लग रही है गाड़ी, क्या बोलेंगे दो लाइन? बहुत अच्छा हो गया, पहले बार किधर भी ऐसे ऑल्ट्रेशन नहीं किया, आज इधर आके बॉम्बे आके हम लोग पहले बार ऐसे देख रहा हूँ ऐसे ऑल्ट्रेशन किया, बहुत अच्छा किया। दिल से हम इंशाल्लाह और एक बार कोई भी ऐसे वाला गाड़ी है तो हम लोग इधर भेजेगा। सब जो हमारे फ्रेंड्स आए हैं उनको शुक्रिया करते हैं एंड लाइक वगैरह करना चाहिए जो वैगन आर के वीडियो को देख रहे हैं। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू। जेड स्पोर्ट जो अपन ने मॉडिफाई उसके अंदर किया है। So, final over.